मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपको मालूम है SC ST एक्ट के बारे में? नहीं मालूम है तो जानिए ADG जोन प्रयागराज के साथ क्या होता है। SC ST एक्ट क्यों बना है ये एक्ट, और इस एक्ट का नाम है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। संशोधन हुआ 2015 में, संशोधन हुआ उसके बाद 2018 में संशोधन हुआ। अब यथा संशोधित इस एक्ट के जो प्रोविजंस है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ये इतना विवादित क्यों हुआ कि इसको लेकर काफ़ी सारे आंदोलन हुए, लोग सड़कों पर आ गए, कभी इसके पक्ष में कभी इसके विपक्ष में। लेकिन एक बात ये मानने वाली है कि हमें जो लेजिस्लेटिव विजडम है, जो हमारे ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे जिन्होंने संविधान को बनाया, उसके बाद जो एक्ट्स बने और अब जितने भी संशोधन हुए, हमें उनकी नियत पर उनके कार्य पर उनकी विजडम पर तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हमारा समाज प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरह से राष्ट्रीय एकता बढ़ती जा रही है, उसके लिए बेहद आवश्यक है कि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनके हितों की रक्षा की जाए। इसमें कुछ लोगों के मत मतांतर हो सकते हैं, लेकिन जब आपको एक्ट के प्रोविजंस के बारे में पता चलेगा, आप स्वयं मान लेंगे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि हमारा देश प्रगति करे, राष्ट्र की एकता बढ़े, उसको लगेगा कि हाँ ये प्रोविजन बेहद आवश्यक है। तो आइए इसमें ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम इस एक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। एक्ट का नाम मैंने बता दिया है कि इसको हम शॉर्ट में कहेंगे SC ST POA प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। अब ये 11 सितंबर 1989 को ये बना दिया गया था और इसको लागू करने के लिए एक ऐसा समय चुना गया कि जिस महान नेता के नाम पर वो आंदोलन जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि उन्होंने दलित कुचले वर्ग के लिए काफ़ी कार्य किया। उनकी ये इच्छा थी कि देश में जो कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति है उसके उद्धार का कार्य होना चाहिए, उसके प्रोटेक्शन का कार्य होना चाहिए। तो उनके 30 जनवरी जो उनका बलिदान दिवस है, शहीदी दिवस है, 30 जनवरी का दिन इसमें चयनित किया गया और 30 जनवरी सन 1990 को इसको लागू कर दिया गया। उससे पहले भी जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के रूप में एक एक्ट पहले से चल रहा था और इसको बनाया गया था संविधान की मंशा के अनुरूप, जो हमारा आर्टिकल 17 है अनुच्छेद 17, जो अस्पृश्यता निवारण की बात करता है, अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की बात करता है, उसे लेकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया। जो उसके प्रोविजंस थे वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट थे, लेकिन उसको लागू करने में कई सारी कठिनाई आ रही थी और उसका असर हल्का होता जा रहा था। तो इसे लेकर ये एक्ट बनाया गया और इस एक्ट में मैं आगे बताऊंगा, इसमें 5 अध्याय हैं और कुल 23 धाराएं इसमें बनाई गई, जिसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो ये कंट्रोवर्सी में आया उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है 20 मार्च 2018 को, जिसे हम कहते हैं डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और इस निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक निर्णय आता है कि इसकी जो धारा 18 है इस एक्ट की, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी धारा 18 ये नहीं होनी चाहिए, इसके जो प्रोविजंस हैं वो सही नहीं है, जिसमें कहा गया कि जो FIR अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ होती है इस एक्ट में, तो उसके लिए एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए, एक प्रारंभिक जांच की जाए डिप्टी SP या गजिस्ट्रेड ऑफिसर के द्वारा, उसके बाद ही मुकदमा पंजीकृत हो। दूसरी बात हुई कि मुकदमा पंजीकरण के बाद भी जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन में अगर लगता है आयोग को कि उसको गिरफ्तारी की करनी है अभियुक्त की, तो अगर कोई सामान्य व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है तो उसमें SSP या जिले का पुलिस अधीक्षक उसमें अनुमति देंगे, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। और अगर वह व्यक्ति कहीं लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है,
तब ऐसे मामले में उसके लिए जो गिरफ्तारी की अनुमति दी जाएगी वह उसके अपॉइंटिंग अथॉरिटी से लेनी होगी। एसएसपी प्रयागराज ने थानों पर नियुक्त 12 उप निरीक्षकों को बनाया वरिष्ठ उप निरीक्षक। उप निरीक्षक दुर्गेश कुमार राय को थाना धूमनगंज से वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना धूमनगंज, उप निरीक्षक गया प्रसाद यादव को थाना कैंट में वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना कैंट, उप निरीक्षक लखन सिंह को थाना झूसी से वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना झूसी, उप निरीक्षक विमलेश सिंह यादव को थाना हंडिया से वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना हंडिया, उप निरीक्षक चंद्रपाल सिंह को थाना उतराव से उप निरीक्षक थाना उतराव, उप निरीक्षक रामेंद्र सिंह यादव को थाना सराय ममरेज में वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना सराय ममरेज, उप निरीक्षक जय सिंह नारायण यादव को थाना फूलपुर वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना फूलपुर, उप निरीक्षक अजीत सिंह को थाना फाफामऊ से वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना फाफामऊ, उप निरीक्षक रविंद्र नाथ यादव को थाना होलागढ़ से वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना होलागढ़, उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार यादव को थाना करछना से वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना करछना, उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार कुशवाहा को थाना घूरपुर से वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना घूरपुर, उप निरीक्षक आशुतोष कुमार त्रिपाठी को थाना लालापुर से वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना लालापुर। एसएसपी प्रयागराज ने बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम, तत्काल प्रभाव से 12 उप निरीक्षकों को वरिष्ठ उप निरीक्षक के पद पर किया स्थानांतरित। यहाँ सूबे की योगी सरकार ने अब मंदिर के पुजारी, तीर्थ पुरोहित, साधु संतों के लिए कल्याण बोर्ड गठन करने का ऐलान किया है। ऐसे में अब किस तरह से सुविधाएं मिलेंगी और किस तरह से कायाकल्प होगा, जब इस पर मंदिर के पुजारी व पीठाधीश्वरों से बात की गई तो कल्याणी देवी के महामंत्री और तक्षक तीर्थ के पीठाधीश्वर रविशंकर महाराज का क्या कहना था कि किस तरह से जीव उद्धार होगा और किस तरह कायाकल्प होगा और किसको इसकी कमान सौंपनी चाहिए, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, सरकार की कोई भी योजना जो भी समाज कल्याण के लिए होती है, जन कल्याण के लिए होती है, वो कभी अहितकारी नहीं होती। तो योगी सरकार ने यह ऐसा विचार किया है, ये विचार स्वागत के योग्य है। और बस इसमें जो लोग बैठे, जिन लोगों को इसका दायित्व मिले, उनकी विचारधारा विशाल माने ब्राइट होना चाहिए, दूर तक होना चाहिए, चिंतन ना हो। ऐसे लोग इसमें जिम्मेदार बनाए जाएं जिनकी दृष्टि समाज की आखिरी सीढ़ी तक हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को संपोषित करने वाली हो, ऐसे व्यक्ति को इसका जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए, तभी हित हो पाएगा, कल्याण हो पाएगा। ये तो समय के साथ ज्ञात होगा, लेकिन एक संतों के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए, संत समुदाय के लिए जो योगी सरकार ने कल्याण बोर्ड बनाने का फैसला किया है, ये बहुत ही अच्छा फैसला योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में किया है ऐलान, इसके लिए उनका स्वागत है। और हम आशा करते हैं कि इस कल्याण बोर्ड के माध्यम से हमारे बुजुर्ग साधु संत सन्यासी ब्राह्मण समाज जो कि अपनी बहुत शिक्षाओं से अपेक्षित हैं, उनकी मांग, उनकी पूर्ति के लिए ये कल्याण बोर्ड एक कारगर सिद्ध होगा। पंडित श्याम जी पाठक, महामंत्री, शक्तिपीठ कल्याणी देवी मंदिर, तीर्थराज प्रयाग। डायबिटीज़ यानी मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो लोगों में पाए जाना अब एक आम बात हो गई है, जिसमें भारत में ज़्यादा लोग ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे में मधुमेह यानी डायबिटीज़ से किस तरह की समस्या होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं और किस तरह से इसका प्रभाव पड़ता है मनुष्य पर, किस तरह से इसमें बचाव करना चाहिए और किस तरह से डायबिटीज़ लो होने पर क्या खतरे होते हैं, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर फिरोज़ का, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, डायबिटीज़ एक इस वक्त हमारे देश में या हमारे पूरी दुनिया में ही कह सकते हैं आप, कि बहुत तेज़ी के साथ फैलने वाली एक बीमारी है, जिसमें पेशेंट को खास ख्याल, पेशेंट जो होता है वो खुद अपना एक डॉक्टर होता है। अगर वो अपना एक्सरसाइज, अपनी डाइट को ख्याल रख के भी डायबिटिक की दवा ना खाए, तब भी वो अपने आप को चला सकता है। अच्छा, डायबिटिक भी दो तरह की होती है, टाइप 1 टाइप 2, जिसमें एक होता है कि पेशेंट अगर चाहे तो दवाओं से, जैसे एक दूसरा होता है इंसुलिन पे। अच्छा, इसमें भी ख्याल रखना है डाइट और एक्सरसाइज का।
अच्छा, कुछ लोग होता क्या है कि कुछ भी खाते रहते हैं और डाइट का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से उनके तमाम तरह की परेशानियों को बढ़ती चालू हो जाती है, जैसे उनके आँखों पे, उनके हार्ट पे, उनके किडनी पे इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। अच्छा, अभी तक देखिए गर्मियों के वक्त में कोशिश करना चाहिए लोगों को खाने पीने में पानी का खास ख्याल रखना चाहिए, पानी की एक क्वांटिटी बना कर रखना चाहिए जिसके वजह से पानी कम ना होने पाए। कभी कभी देखिए डिहाइड्रेट होने की वजह से डायबिटिक पेशेंट है तो उनको डिहाइड्रेट हो गया तो उनके गुर्दे के इन्फेक्शन हो जाने के खतरे रहते हैं, तो इस वजह से अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए हमेशा। डायबिटीज़ के शुरू होने के लक्षण क्या है? देखिए डायबिटिक तो ऐसे कैसे साइलेंट टाइप की है, उसमें स्टार्टिंग में बहुत सारे लक्षण नहीं दिखते, मगर हाँ देखिए कमजोरी आ रही है या आपको प्यास लग रहे हैं या पेशाब बार बार हो रही है, थकान महसूस हो रही है, तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि हमको इस तरह की हो सकता है समस्या हो और जांच करा के उसको क्लियर कर सकते हैं। डायबिटीज़ में किस तरह के खतरे होते हैं? देखिए डायबिटिक में देखिए स्टार्टिंग में तो इस तरह के कोई खतरे नहीं होते, मगर अगर उसको अनकंट्रोल रखा जाए तो कई ऐसे खतरे हो जाते हैं जो कि आपके ज़िंदगी और मौत के साथ जूझना पड़ जाता है। देखिए डायबिटिक पेशेंट को कोशिश यही करनी चाहिए कि शुगर फ्री दवाओं को इस्तेमाल, मतलब शुगर फ्री लेना चाहिए खाना, जैसे चावल नहीं लेना है, गुड़ चीनी से बनी चीज़ नहीं खाना, मिठाई नहीं खाना है, और एक्सरसाइज को लगातार करते रहना है, एक घंटा अपने आप को देना ही देना है किसी भी हालत में। देखिए हाँ, कोशिश ये करना चाहिए 2 से 4 घंटे के बीच में कुछ ना कुछ डाइट में उनको लेना चाहिए। डाइट में कोशिश यही करना है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट इस तरह की चीज़ें नहीं लेना चाहिए, जैसे प्रोटीन है आप ले सकते हैं, शुगर फ्री आजकल बिस्किट आ रहे हैं वो रख सकते हैं अपने पास, तो बीच बीच में लेने से आपके क्या कहते हैं मेंटेन रहता है डायबिटीज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मंडल आयुक्त प्रयागराज, एडीजी जोन प्रयागराज, एआईजी रेंज प्रयागराज, जिलाधिकारी प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज ने गांधी सभागार मंडल आयुक्त कार्यालय में एक सभा का आयोजन किया, जहां पर आज सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठक की और बैठक में सीएम योगी के आदेशों को बताया, जहां अब शोभा यात्रा या कोई भी जुलूस बिना अनुमति के शहर में नहीं निकलेंगे इसकी जानकारी दी। साथ ही शांतिपूर्ण सौहार्द बनाए रखने और बीते दिनों शांतिपूर्वक सभी त्यौहार संपन्न होने पर बधाई भी दी। साथ ही ईद के आगामी त्यौहार को देखते हुए सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठक की गई और शांतिपूर्ण संपन्न कराने की बात कही गई। इस मौके पर आए सभी धर्म गुरुओं ने आश्वासन दिया और अपने पूरे सहयोग देने की बात कही। इस मौके पर मीटिंग में आईडीजी जोन प्रयागराज, मंडल आयुक्त प्रयागराज, जिलाधिकारी प्रयागराज, आईजी रेंज प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज संघ सभी धर्म गुरु उपस्थित रहे। माह रमज़ान की 19 को कूफे की मस्जिद में मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली इब्ने अबू तालिब को अब्दुर्रहमान इब्ने मुस्लिम नामक शख्स ने फजर की नमाज में सजदे के दौरान सर पर जहर से आलूदा तलवार से वार कर ज़ख्मी कर दिया था और 2 दिन जख्मी हालात में हज़रत अली मुब्तला रहे। 21 रमज़ान को हज़रत अली की शहादत हो गई। उसी गमगीन वाक़े को याद कर आज भी मुस्लिम इलाके में शोक में डूबे रहे। फजर की नमाज के बाद सबसे पहले मस्जिद काजी साहब बख्शी बाजार में मजलिस हुई। मौलाना जवादुल हैदर रिजवी ने गमगीन मसाइब पढ़े तो मस्जिद के मोमिन ने या अली या मौला हैदर मौला की सदा बुलंद करते हुए मातम किया। वहीं रानी मंडी धोबी गली में मिर्ज़ा काजिम अली के आवाज़ पर कदीमी जुलूस निकाला गया। मौलाना जिशान हैदर ने मजलिस को खिताब किया तो जैगम अब्बास ने मरसिया ख्वानी के साथ जुलूस को रानी मंडी की गलियों से गश्त कराते हुए इमाम बाड़ा आज़म हुसैन तक पहुंचाया, जहां बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शहादत का गमगीन जिक्र किया। वहीं दरियाबाद में मस्जिद इमाम रजा ने फजर की नमाज के बाद मजलिस हुई और अंजुमन मुहाफिज़ अज़ा कदीम को नौहा और मातम का नजराना पेश करते हुए जुलूस निकाला। दरियाबाद, रानी मंडी, बख्शी बाज़ार, करेली, करेला बाग, चक जीरो रोड, रोशन बाग आदि इलाके गमगीन रहे। महिलाएं कलाई की चूड़ियां तोड़कर काले लिबास पहनकर सोगवार रहीं। कई जगहों पर औरतों व मर्दों की मजलिस भी हुई। रोशन बाग में मतलूब हुसैन के अज़ा खाने पर हुई मजलिस को मौलाना डॉक्टर रिजवान हैदर ने खिताब किया। Bye.
संगम नगरी प्रयागराज में जहां पेयजल और पियाऊ की व्यवस्था देखने जब टीम सड़कों पर निकली, चाहे वो हटिया चौराहा हो, चाहे जीरो रोड चौराहा हो, या घंटा घर चौराहा हो, या फिर शहर के विभिन्न चौराहे हो, जहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं दिखी और लोगों के लिए गर्मी में किसी तरह के पियाऊ की व्यवस्था नहीं है, जहाँ गर्मी तेज है और हर साल नगर निगम द्वारा पानी की व्यवस्था की जाती थी, मगर इस बार कहीं भी दूर दूर तक पेयजल की व्यवस्था नहीं दिखाई दी और सड़कों पर ना ही कहीं पियाऊ बनाए गए, नगर निगम के दावे कागजों में सीमित। शहर में जो है जल पियाऊ की पूरी तरह व्यवस्था नहीं है, जहाँ कहीं जाइए तो कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है सरकार से, या तो नगर निगम ने कहीं भी जो है कहीं कोई इंतजाम नहीं कराया है, और चलने फिरने जो आवाम है कहीं भी बेचारी परेशान है, कहीं पानी पीने के कोई भी इंतजाम नहीं है, और इससे बड़ा ही आवाम में जो बड़ा इख्तलाफ पैदा हो रहा है कि प्रशासन तरफ से कोई भी जो है पानी का इंतजाम नहीं कहीं पर भी, जिससे पहले रहा करता था जहाँ जहाँ पियाऊ का इंतजाम किया करता था, या फिर कहीं कुछ इंतजाम नहीं है, और गर्मी एकदम उफान पर है और लोग एकदम प्यासे एकदम तड़प रहे हैं, बताऊँ पानी कोई इंतजाम नहीं कहीं पर भी। पर्चे बता दें। पर्चे मोहम्मद वसीम, कटरा। शहर में जल पियाऊ की कोई व्यवस्था नहीं है, आम आदमी परेशान है, जहाँ जहाँ ट्यूबवेल लगे हुए भी वो ट्यूबवेल खराब है, नगर निगम कोई इसके जो नोटिस नहीं ले रही है, सरकार भी नहीं ध्यान दे रही इस चीज़ को, जहाँ जहाँ देखो वहाँ नल खराब है, पानी मिलने की कोई व्यवस्था नहीं है, मजदूर लेबर बेचारे काम करने वाले सब परेशान है, कहीं पानी व्यवस्था है, किसी दुकान पे जाए पीने के लिए तो दुकानदार भगा देता, पानी नहीं पीने देता, और जहाँ जहाँ चापाकल लगे हुए एकदम खराब है, और सब जगह परेशानी है, हर आदमी आम आदमी परेशान हो गया, जहाँ जाओ कहीं कुछ व्यवस्था नहीं होती, हर आदमी जो परेशान है आजकल। क्या नाम है? हमारा नाम नफीस। रियलिटी चेक के दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा आपने सुना, और पीने के पानी की क्या व्यवस्था थी ये भी आपने देखा, मगर चौराहों पर दूर तक पियाऊ नहीं दिखाई नहीं दिए, सारे दावे कागजों में। प्रयागराज का ये नज़ारा है सुभाष चौराहे का, जहां आप देख सकते हैं नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को टोचन वाहन ने उठाना शुरू कर दिया है, जहां नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों से जाम की स्थिति होती है, ऐसे में कई बार चेतावनी देने के बावजूद लोग नहीं मान रहे, जिसको लेकर नगर निगम व यातायात के संयुक्त तत्वावधान में अभियान चलाया गया, जिसमें टोचन वैन के द्वारा नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को मल्टी लेवल पार्किंग ले जाया गया, साथ ही उनके चालान भी किए गए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।